हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब भैया जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी आज राधा रानी हैं, ये बहुत ज़्यादा काली हो गई हैं। इन पर हमने श्रृंगार किया था जिसके कारण ये काली हो गई हैं। पहले भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे घरों में जो राधा रानी होती हैं, वो राधा रानी हो या लड्डू गोपाल जी हो, ज़्यादा स्नान या साफ करने की वजह से कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही स्नान कराने की वजह से राधा रानी या लड्डू गोपाल जी हैं जो काले पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मतलब काला पड़ चुका है पूरा इनका शरीर। तो अब हमारे माइंड में ये आती है कि हम इनको साफ़ कैसे करें या इनको क्लीन कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज जो हम इनको साफ़ करेंगे वो बहुत अच्छा है कि जिससे हम साफ वाफ कर सकते हैं। और जो देखिए, देख सकते हैं ये पेंट जो है वो निकल रहा है अभी भी, तो ये सब हम हटा देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम प्रॉपर इनको साफ कर सकें, ठीक है। तो इनको हम साफ़ करेंगे, या जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आज तक आपने साफ़ नहीं करे और आपका मन है कि हमारे हम अपने लड्डू गोपाल जी को या राधा रानी को साफ़ करें, तो किस तरीके से आप सबको साफ़ करना चाहिए, किससे साफ़ करें, बहुत सारे सबके माइंड में ये सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि नींबू से करें या दही से करें। आप किसी से भी कर लो, लेकिन इतने साफ़ नहीं हो पाएंगे जिससे मैं अभी साफ़ करूँगी, ठीक है। तो उससे ही आप साफ़ करें, ये देखो ये मैंने सारा हटा दिया, उसी से ही आप साफ़ करें तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और वो क्लीन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप सबसे पहले उसी का ही यूज़ करके और उसी से ही साफ़ करें। देखो मैंने हटा दिया है तो अब अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा सारा। ये हमने लिया है ये लिक्विड का दारा, ये आपको किसी भी पूजा के शॉप पर आपको आराम से मिल जाएगा। आप इसको यूज़ करेंगे चाहे राधा रानी पे चाहे ठाकुर जी पे, ये बिल्कुल ही चमका देता है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा हम इसको घुमा लेंगे अंदर ही अंदर, थोड़ा जमा होगा तो इसको हम घुमा लेंगे अच्छे से। तो ये हो चुका है, इसको हम एक ढक्कन में निकालेंगे सबसे पहले। ये हमने एक थोड़ा सा एक ढक्कन में हमने निकाल लिया है, ये देखो ये इस कलर का होता है, जो यूज़ करता होगा उसको अच्छे से पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, ऐसे अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं साफ होना शुरू हो चुका है। ये देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये साफ होनी शुरू हो गई है। अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ करें, नीचे रुमाल बिछा लें बेशक, एक कॉटन का कपड़ा या सूती रुमाल ज़रूर रखें अपने पास में, क्योंकि उसी से ही आपको साफ़ करना होगा। ये आप देख सकते हैं, देखो कितना काला था, अगर आप किसी और भी चीज़ से इसको साफ़ करते तो इतना जल्दी साफ़ नहीं हो पाता, लेकिन हमने दारा यूज़ करी है तो दारा से बहुत आराम से और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, बहुत क्लीन हो जाता है। जैसे आप लेके आते हैं ना ठाकुर जी को या राधा रानी को, वैसे ही ये दोबारा से ऐसे हो जाते हैं इसको लगाने से। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे, बहुत काले हो जाते हैं, उनको वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अब से आप अपने ठाकुर जी के लिए ये चीज़ लेके आ जाइए, जिससे कि आपके ठाकुर जी जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा हम फेस पे भी लगा के इनको साफ़ कर देंगे, क्योंकि इनका श्रृंगार जो है ना वो दोबारा से होगा। अगर आपके पास में एयर बर्ड मतलब बर्ड होता है ना, जैसे हम एयर बर्ड्स होते हैं, आप उससे भी यहाँ से नोज के पास से आप इनको अच्छे से साफ कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा टाइट रखिए, जिससे जो भी अंदर मैल जो होता है वो साफ हो जाएगा अच्छे से। तो
तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने पहले जब ये मैंने शुरुआत की थी तो कितने काले हो रही थी और अब देखो कितनी ज़्यादा चमक रही है। और मैं जितना इनको रैप करूँगी, जितना इनको रगड़ूंगी, ये उतना ही साफ़ होती चली जाएंगी। आप देख सकते हैं ये देखो ये कितनी साफ हो गई हैं। और अब मैं इसी कपड़े से, सूती कपड़े से इनको क्लीन कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा साफ हो चुके हैं ये। और ये देखो कितना ज़्यादा ब्लैक ब्लैक कितना वो निकला है इसमें से, ठीक है। आप चाहो तो इनको और भी ज़्यादा चमका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये बिल्कुल ही बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। और ये देखो आप बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, देखिए देखो बिल्कुल साफ हो चुकी हैं ये। तो आप भी अपने घर के अंदर दारा लेके आएं और राधा रानी को या कान्हा जी को आप अच्छे से साफ करें, क्योंकि सुंदर बना के रखना ही होता है। ये नहीं कि आपके घर के अंदर है तो आप काले पीले बना के रखेंगे, नहीं, आप बिल्कुल साफ सुथरा बना के रखिए और अच्छी सुंदर राधा रानी को अच्छे से श्रृंगार करके उनको अच्छी तरीके से आसन पे बैठाइए। अभी तो क्या इनकी आंखें जो आईज वाइज ये सब बनेंगी बिल्कुल, ठीक है ना, तैयार होंगी अच्छे से। तो अभी तो मैंने इनको साफ किया है, बस मेरे लिए इतने ही साफ है क्योंकि इन पे दोबारा से सारा श्रृंगार होगा इसी वजह से, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे ही अपनी राधा रानी का श्रृंगार मतलब साफ सुथरा बना के रखें, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल।